हमने आप लोग को अवकलन का जो फार्मूले होते हैं, दो फलनों का जोड़, दो फलनों का गुणा, घटाना, भाग, जो बेसिक फार्मूले होते हैं, सारे फार्मूले डिस्कस कर दिए हैं। अब हम लोग उसी प्रश्नावली का एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक एक देखिए, इस प्रश्नावली में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। हम एक जो एक टाइप का क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग अपने से प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेश्चन को भेज दीजिए, उसका हम सलूशन अगले वीडियो में दे दूंगा। प्यारे बच्चों, हमने जो भी फार्मूले आप लोग को लिखाए हैं, बेसिक फार्मूला जैसे एक्स पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, और ई पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष ई पावर एक्स होता है, और जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सारे फार्मूले हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप उसको नोट कर लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए फार्मूले का, और छोटे अपने बेसिक क्वेश्चन हमने दिए हैं, सॉल्व कराए हैं, आप उसको कंप्लीट करिए। हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ट्रिक बताया था, जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में को लगा होता है उसका अवकलन करते हैं तो माइनस होता है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में को नहीं लगा होता है उसका अवकलन करते हैं तो पॉजिटिव होता है। इसी तरह हमने दो फलनों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उन सब का भी फार्मूला बताया है। अगर दो फंक्शन हमारे एफ वन एफ टू होते हैं और उनका अवकलन करते हैं जोड़ का, तो अगर एफ वन प्लस एफ टू है तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सारे फार्मूले हमने आप लोग को डिस्कस कर चुके हैं, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, और अब हम उसी प्रश्नावली का एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन का डिस्कस करके आप लोग को इस वीडियो में भेजते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि निम्न का यक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन में ये आपको तीन क्वेश्चन दिया गया है कि वन बाई थ्री यक्ष क्यू कॉमा यक्ष पे पावर माइनस एट कॉमा वन बाई थ्री यक्ष का पावर वन बाई टू। बच्चों, ये तीन क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इस तीन क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन को, एक या दो क्वेश्चन हल कर दे रहे हैं, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आप अपने से प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें तीन क्वेश्चन दिया गया है तो पहले को सॉल्व करने चल रहे हैं। हाँ, मान लीजिए यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना, यानी इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। डी अपॉन डी एक्स वन बाई थ्री एक्स क्यूब ये लिखा गया है, इसकी वैल्यू निकालना है। प्यारे बच्चों, हमने बताया था अगर किसी फलन के साथ कांस्टेंट अचर राशि लगा होता है तो उसको हम लोग अवकलन के पहले लिख देते हैं। इसमें वन बाई थ्री जो है ये कांस्टेंट है और एक्स क्यूब आपका एक्स का फलन है, तो इसको हम लोग लिख देंगे वन बाई थ्री डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। वन बाई थ्री आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया वन बाई थ्री, और एक्स क्यूब का अवकलन हमने एक्स पावर एन वाला फार्मूला बताया है, उस फार्मूले से ये थ्री इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये तीन और तीन कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर हो गया। इसका मतलब वन बाई थ्री एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। इसी तरह हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है कि डी अपॉन डी एक्स एक्स पे पावर माइनस एट,
एक्स पावर माइनस एट है, तो इसको हम लोग उसी फार्मूले से, कौन सा फार्मूला ये याद होना चाहिए, d अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन बराबर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन के, इसी फार्मूले से यहाँ एन का काम माइनस एट कर रहा है, माइनस एट एक्स पावर माइनस एट माइनस वन, और ये माइनस एट एक्स पे पावर, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये माइनस नाइन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, सेम इसी तरह दूसरा भी क्वेश्चन है। हम लोग डायरेक्ट चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पर। पहला दूसरा तीसरा तक आप लोग कर लेंगे, ठीक है, या तीसरे ही क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है, एक्स पे पावर वन बाई टू कॉमा एक्स पे पावर सेवन बाई थ्री कॉमा एक्स पे पावर माइनस फाइव बाई टू के, इसमें तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से दो क्वेश्चन हमने हल कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रयास करेंगे। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हल करने जा रहे हैं, d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर वन बाई टू, फार्मूला वही आपका है जो ये फार्मूला हमने बताया है, d अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन बराबर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। बच्चों यही फार्मूला, बेसिक फार्मूला आपका, जब एलजेब्रिक एक्स का टर्म में हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। हमने बताया है जो भी पावर होता है उसको साइड में लिख देते हैं और उसमें एक पावर कम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हमें ये यंग का काम एक बटा दो कर रहा है, तो इसको एक बटा दो पहले लिख देंगे, फिर एक्स लिखेंगे एक बटा दो माइनस वन, ये एक बटा दो है और आप जानते हैं एक बटा दो माइनस वन यानी एक में एक बटा दो आधा घटेगा, कितना बचेगा, आधा बचेगा, तो माइनस में हो जाएगा माइनस एक बटा दो, या इसको एक बटा दो, इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ये एक्स की पावर एक बटा दो हो जाएगा, इसको लिखेंगे वन बाई टू, करणी के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज, क्योंकि आप ये जानते हो कि एक्स पे पावर माइनस एम लिखा गया है तो इसको वन अपॉन एक्स पे पावर एम लिख सकते हैं। ये निगेटिव था उसको पॉजिटिव बना दिए, वन अपॉन में लिख दिए, और करणी में अगर कोई एक्स ए का पावर वन बाई टू लिखा है तो इसको करणी ए लिख सकते हैं। तो यही चीज एक्स पे वन बाई टू था, करणी एक्स लिख दिया। तो इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा ये है कि d अपॉन dx x पे पावर माइनस पाँच बटा दो, इसमें निगेटिव अंक लिखा है और इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि माइनस पाँच बटा दो बाहर आ गया, फिर x लिखेंगे, फिर माइनस पाँच बटा दो माइनस वन के। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस पाँच बटा दो को बाहर निकाल लिया, फिर एक्स लिखा, फिर माइनस पाँच बटा दो उसमें वन घटा दिया और ये बन गया माइनस पाँच बटा दो, और इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए ये बाई वन लिख सकते हैं, दो एकम दो, ये दो ही होगा, इसका गुणा इसके साथ किया तो माइनस फाइव होगा, दो का गुणा माइनस वन में किया तो माइनस दो होगा, ये हो गया माइनस पांच बटा दो एक्स की पावर माइनस फाइव माइनस टू सॉल्व करेंगे माइनस सेवन बाई टू। ठीक है, ये हमारा दूसरे का तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, चौथा क्वेश्चन। और बाकी जो क्वेश्चन एक दो छोड़ दे रहे हैं इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा, सेम इसी फार्मूले का यूज करके। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रूट एक्स क्यूब क्वेश्चन फोर, रूट
रूट एक्स क्यूब कॉमा रूट एक्स और रूट ऑफ एक्स पावर माइनस सिक्स, ये सारे क्वेश्चन को अवकलन करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ, पहला डी अपॉन डी एक्स रूट ऑफ एक्स क्यूब, रूट का कोई फार्मूला नहीं होता है जब तक एक्स की घात में ना हो, क्योंकि रूट का कोई फार्मूला हमने आपको लिखाया नहीं है। ये एक्स का ये क्यूब है, लेकिन ये रूट लगा हुआ है, इसको सबसे पहले हमें घात के रूप में बनाना पड़ेगा। तो घात में अभी हमने बताया कि डी अपॉन डी एक्स, इसको घात के रूप में एक स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो ये एक्स क्यूब लिख करके एक बटा दो कर देंगे, ठीक है। और इसका ये डी अपॉन डी एक्स, ये तीन का वन में गुणा करेंगे, तीन हो जाएगा बटा दो, एक्स पे पावर तीन बटा दो हो गया। अब ये घात के रूप में हो गया, जो इसके पहले हमने क्वेश्चन लगाया उसी तरीके से ये भी हो गया। तो इसका मतलब ये तीन बटा दो एक्स पे पावर तीन बटा दो माइनस वन के, और ये हो गया तीन बटा दो एक्स पे पावर, इसको सॉल्व करेंगे टू वन जा टू, तीन में से दो घट गया, एक बचा एक्स पे पावर एक बटा दो। अब इसको करणी के फॉर्म में लिखना चाहे तो तीन बटा दो रूट एक्स हो गया, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अब हम लोग इसी का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो तीसरे में देखिए लिखा है कि डी अपॉन डी एक्स रूट ऑफ माइनस सॉरी रूट ऑफ एक्स पे पावर माइनस सेवन, यहाँ x पे घात कितना है माइनस सेवन। अगर ये रूट न लगा होता तो डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर दिए होते। तो यहाँ में करणी को हटाना है, करणी हटाने का मतलब इस पे पावर एक बटा दो लगाना है, d अपॉन डी एक्स x पे पावर माइनस सेवन पावर एक बटा दो के। जैसे यहाँ हमने गुणा कर दिया है सेम वही चीज यहाँ भी गुणा कर देंगे, d अपॉन डी एक्स एक्स पे पावर माइनस सेवन बाई टू, क्योंकि माइनस सेवन का वन में गुणा करेंगे तो माइनस सेवन हो जाएगा और हर में आपका दो है ही है। इसके बाद अब वही फार्मूला लगाएंगे, माइनस सेवन बटा दो एक्स पे पावर माइनस सेवन बाई टू माइनस वन के, और इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस सेवन बाई टू और टू वन जा टू माइनस टू माइनस सेवन माइनस नाइन बाई टू, यही इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, देखिए छठा क्वेश्चन, इसमें हम लोग छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा सेम उसी तरीके से है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन में यह दिया गया है कि हमारे पास सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमा सेवन फाइव अपॉन एक्स पे पावर थ्री बाई टू कॉमा वन अपॉन एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। देखिए इसमें हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। हाँ, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बटे में है एक्स स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, ये सेवन तो है और ये ऊपर ले जाएंगे। हमने बताया था जब नीचे से ऊपर आता है तो चिन्ह बदल जाता है, उसके घात के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वन अपॉन ए का पावर एम है, इसको लिख सकते हैं ए का पावर माइनस एम। इसी तरह यहाँ वन अपॉन एक्स स्क्वायर था तो इसको एक्स पावर माइनस टू लिख दिया, यहाँ सेवन आपका क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, सेवन बाहर हो गया, डी अपॉन डी एक्स एक्स का पावर माइनस टू। अब यहाँ एन का काम ये कर रहा है तो ये सेवन हुआ माइनस टू इंटू एक्स पावर माइनस टू माइनस वन, और इसका इसका इंटू कर दिया माइनस चौदह एक्स का पावर माइनस थ्री, ठीक है।
कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन इसी का हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसमें ये आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, तो दूसरे को हम लोग डिस्कस कर ले थोड़ा, कि डी अपॉन डी एक्स फाइव अपॉन एक्स का पावर 3/2 के, सेम वही चीज है। यहाँ एक्स का पावर कितना है नीचे में 3/2, उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख दें डी अपॉन डी एक्स फाइव एक्स पावर, इसको लिख देंगे इंटू एक्स पावर माइनस 3/2 बटा 12 हो गया। और यहाँ 5 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स का पावर माइनस 3/2 के। अब 5 तो बाहर है ही है, और इसका जब अवकलन करेंगे तो एक्स पावर एन वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 बाहर आ जाएगा, फिर एक्स लिखेंगे माइनस 3/2, फिर माइनस 1 कर देंगे, और यहाँ हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो ये 5 15 माइनस 15/2 एक्स का पावर, ये 2 जाएगा माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 5/2 के, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया।